हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज सिविल सर्विसेज। तेज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है और आज मैं आप लोगों के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का वीडियो लेकर के आया हूँ जो यूनेस्को द्वारा निर्धारित की जाती है। यूनेस्को ऐसा क्या देखता है इन साइट्स में कि उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दे देता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि हमारे वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का वीडियो देखते हैं, यूनेस्को के बारे में जानते हैं और यूनेस्को की हर साइट्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनेस्को आप जानते होंगे कि ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका काम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो यूनेस्को क्या करता है, यूनेस्को हमारे एजुकेशन और साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। तो ये विभिन्न देशों की संस्कृति को बचाने का काम यूनेस्को करता है। तो ये हमारे एजुकेशन को प्रमोट करता है, साइंटिफिक को प्रमोट करता है, साइंस को प्रमोट करता है और कल्चरल यानी कि संस्कृति को प्रमोट करता है। तो ये सब हमने जाना, अब आइए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर और भी कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो ये आ गया यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स। अब मैं आपको टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, टेंजिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं और इंटेंजिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एक देश की संस्कृति हमें क्या दिखाती है, तो ये भी हम जानते हैं। एक देश की संस्कृति हमें दिखाती है कि वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो टेंजिबल हो, जिसे हम छू सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिसे बोलते हैं इंटेंजिबल, और जिसे हम छू सकते हैं उसे बोलते हैं टेंजिबल। तो इनटेंजिबल और टेंजिबल क्या होते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, तो ये हम इनटेंजिबल साइट्स होती है, ये इसे हम महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। जैसे योगा हो गया, तो ये योगा एक कॉन्सेप्ट है, इसे महसूस किया जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता है। तो विरासत भी दो प्रकार की हो गई, जैसे टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो इनटेंजिबल साइट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। 13 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं यूनेस्को के, जैसे वैदिक जप हो गया, योगा हो गया, नवरोज हो गया, लद्दाख का बौद्ध जप हो गया, कालबेलिया लोकगीत हो गया जो राजस्थान का नृत्य है, कुंभ मेला हो गया 2017 का, छऊ नृत्य हो गया, संकीर्तन मणिपुर का है और मुदियट्टू अनुष्ठान थिएटर केरल का नृत्य नाटक है। ये सब इंटेंजिबल कल्चरल हैं यूनेस्को के। और टेंजिबल कल्चरल के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, देयर आर 30 हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो भारत में 38 विश्व विरासत स्थल हैं यूनेस्को के, तो ये भी हमने जाना। तो दीज इंक्लूडेड 13 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स एंड 1 क्राइटेरिया मिक्स साइट। जो ये वन मिक्स क्राइटेरिया है, ये इन्हें कंचनजंगा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अभी अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कंचनजंगा के बारे में। तो भारत में 38 विश्व विरासत स्थल हैं, इनमें से 30 सांस्कृतिक और 7 प्राकृतिक स्थल हैं और एक मिश्रित मापदंड स्थल शामिल है। तो ये भी हमने जान लिया यूनेस्को की 30 हेरिटेज साइट्स। अब हम आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया, इसका चयन मापदंड कैसे होता है, यूनेस्को साइट्स चयन माप करने का मापदंड क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे मैं आपको बता दूँ कि वास्तुकला क्या होती है, स्मारकी कला, एक प्रकार की इमारत या वास्तुशिल्प या तकनीक कलाकारों का एक उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए जो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है। तो यूनेस्को का क्राइटेरिया भी इसी पर आधारित होता है। जैसे कि भारत में लाखों महाराजा राजाओं के द्वारा जो बनवाई गई चीज़ें हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, महल हो, टूटे फूटे महल हों जो बच गए हों, उनमें यूनेस्को ऐसा क्या देखता है कि उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देता है। तो और कुछ को नहीं करता है जी, और कुछ को कर देता है। तो इनमें ये मानवीय मूल्य दिखाने वाली चीज़ होनी चाहिए, उन्हें ही वो विश्व विरासत स्थल का दर्जा देता है यूनेस्को। मानवीय मूल्य दिखाने वाली होनी चाहिए या कोई वास्तुशिल्प ऐसा होना चाहिए जो मानव इतिहास में महत्वपूर्ण समय को दिखाता है। तो ऐसा भी होना चाहिए, तभी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का उस साइट को दर्जा देता है। तो एक और भी फायदे होते हैं यूनेस्को साइट घोषित होने के, जैसे आइडेंटिटी, उस साइट को एक आइडेंटिटी मिल जाती है, उसे एक दुनिया में एक पहचान मिल जाती है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो जाती है, और फंडिंग होती है उसकी, और टूरिज्म भी बढ़ता है। प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वार टाइम, जैसे
प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वॉर टाइम का मतलब होता है कि अगर युद्ध के काल के समय कोई देश विश्व विरासत स्थल पर हमला नहीं कर सकता है, तो इसका भी एक फायदा होता है। और टूरिज्म तो बढ़ता ही बढ़ता है, फंडिंग भी होती है, यूनेस्को द्वारा भी फंडिंग की जाती है उस साइट्स की। तो ये सब हमने जाना विश्व विरासत स्थल के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब हम आइए एक एक करके हर विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आपकी स्क्रीन पर बना होगा ताजमहल। तो ताजमहल आप जानते होंगे 1631 में इसका निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था, शाहजहां द्वारा बनवाया गया था ये। और वास्तुकला का ये उत्कृष्ट नमूना है ये ताजमहल, आप जानते होंगे। काफ़ी गजब की चित्रकारी की गई है, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये भी हमने जाना ताजमहल के बारे में। ये भी एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 7 आश्चर्यों में भी एक है ये। तो ये भी हमने जाना। अब अगला चलते हैं खजुराहो। खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो के मंदिर आपको पता ही होगा कि चंदेल राजाओं ने बनवाया था, ये चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के हैं ये। इससे माना जाता है कि 30,000 साल पुराना बताया जाता है ये। चंदेल वंश के राजाओं द्वारा ये बनवाया गया था खजुराहो का टेम्पल। तो ये भी हमने जान लिया खजुराहो के बारे में। अब हम आगे चलते हैं हम्पी। हम्पी कर्नाटक में है, आप जानते होंगे। हम्पी के स्मारकों का समूह है ये हम्पी। कई सारे स्मारकों का समूह है ये, कोई एक सिंगल नहीं है हम्पी। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है और ऐसा माना जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के भी साक्ष्य इसके किनारे मिलते हैं। तो हम्पी कर्नाटक में है, ये भी एक विश्व विरासत स्थल है। काफ़ी उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर भी देखने को मिलता है हम्पी में। तो आइए आगे चलते हैं। अजंता केव्स। अजंता केव्स के बारे में आपको पता ही होगा, फेमस काफ़ी अजंता अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में हैं। ये गुफाएं दूसरी ईस्वी से 6 ईस्वी पूर्व 200 दूसरी ईस्वी पूर्व से 6 6 ईस्वी पूर्व के बीच की ये गुफाएं बनी हैं। ये बौद्ध गुफाएं हैं। 1983 में डिक्लेयर हुई थी ये, और ये प्रथम चरण में अशोक के समय बनी थी तथा दूसरे चरण में गुप्त काल में इसे कंप्लीट कराया गया था। तो ये भी काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है, ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं इसके अंदर अजंता केव्स। तो अब आइए आगे चलते हैं। एलोरा केव्स, ये भी आपको पता होगा, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये भी यहाँ पर बौद्ध हिंदू जैन की संस्कृति दिखती है, तीनों धर्मों की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये भी काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है विश्व विरासत स्थल का। तो ये भी हमने जान लिया। अब अगला चलते हैं बोधगया। बोधगया मंदिर बिहार, इसे भी आपको पता होगा, काफ़ी फेमस महाबोधि टेम्पल भी है यहाँ पे, और भगवान बुद्ध ने यहाँ पर उपदेश भी दिया था। तो बोधगया के बारे में आपको पता ही होगा, यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। बिहार में है ये। अब आगे चलते हैं सन टेम्पल कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको पता ही होगा, ये काफ़ी फेमस साइट्स है। ये कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर काफ़ी फेमस ये भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो इसके बारे में भी हमने जान लिया, उड़ीसा में है ये। और ये ठीक है, आगे चलते हैं। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स दिल्ली, लाल किला, ये तो आपको पता ही होगा, ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। लाल किला शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, इसके अंदर मोती मस्जिद भी आपको मिलेगी जिसे औरंगजेब ने बनवाया था लाल किले के अंदर। तो दिल्ली में है ये। तो ये भी हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं सांची। सांची का स्तूप आपको पता ही होगा, ये भी एक उत्कृष्ट नमूना है, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची का स्तूप। काफ़ी उत्कृष्टता इसमें देखने को मिलती है, काफ़ी विविधता है इसमें। तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा दिया गया है। तो आगे आगे चलते हैं अब। चोला टेम्पल, ये तमिलनाडु में है। ये भी काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है वास्तुकारिता का। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। चोल टेम्पल, चोल मंदिर है, चोल साम्राज्य में इसे बनवाया गया था और ये तमिलनाडु में है। तो ये भी हमने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं कांजीरंगा। कांजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वही नेशनल पार्क भी है। तो ये भी काफ़ी फेमस है, ये असम में है। एक सींग वाला गेंडा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये भी यहाँ पर फेमस पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा कांजीरंगा नेशनल पार्क में। काफ़ी विविधता यहाँ पर भी देखने को मिलती है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये कांजीरंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और ये एक नेशनल पार्क भी है, कांजीरंगा नेशनल पार्क।
तो ये भी अपने जाना। अब हम आगे चलते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु, अमल्लापुरम भी बोलते हैं, अमल्लापुरम भी बोलते हैं इसे, कई नामों से इसे जाना जाता है, महाबलीपुरम, मल्लापुरम। तो यहीं पर चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग अभी कुछ दिन पहले ही मिले थे प्रधानमंत्री मोदी से, यहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी महाबलीपुरम में। बताया जाता है कि यहाँ से बहुत साल पहले चीन से व्यापार भी हुआ करता था। तो महाबलीपुरम के मंदिर, यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, कई सारे स्मारकों का, कई सारे मंदिरों का समूह है, उसे ही विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। तमिलनाडु में स्थित है ये ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम या मल्लापुरम, महाबलीपुरम के मंदिर ये तमिलनाडु में है। तो हम आगे चलते हैं। सुंदरबन, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल। सुंदरबन में आपको बता दूं, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुरामसर साइट भी है। तो ये कई सारी विविधता यहाँ पर देखने को मिलती हैं सुंदरबन नेशनल पार्क में, वेस्ट बंगाल में है ये। ये भी काफ़ी फेमस है वेस्ट बंगाल में, काफ़ी विविधता यहाँ देखने को, मैंग्रोव के मन या वन भी यहाँ पर मिलते हैं वेस्ट बंगाल में, सुंदरबन में। तो ये भी हमने जाना। अब अगली साइट्स में चलते हैं। हुमायूं, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का टॉम, ये भी काफ़ी फेमस है, ये नई दिल्ली में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है ये हुमायूं का मकबरा। तो ये भी काफ़ी फेमस उत्कृष्ट नमूना है, इसमें भी देखने को मिलता है। अब आगे चलते हैं अगली साइट्स में। जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर में है, राजस्थान में, इसे राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था जंतर मंतर को। ये भी काफ़ी फेमस उत्कृष्ट नमूना है ये वास्तुकारिता का। तो ये भी हमने जाना, ये कहाँ है, जयपुर राजस्थान में है, ये भी काफ़ी काफ़ी फेमस है। तो अगली साइड्स में हम चलते हैं। आगरा, आगरा किला, आगरा किला उत्तर प्रदेश, आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस, शाहजहाँ द्वारा ये भी बनवाया गया था आगरा किला को। तो ये भी काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है आगरा किला। आगे चलते हैं अगली साइड में। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी पूरा पूरा ये कई सारे समूह हैं इसमें, कई सारी इमारतों का समूह है इसमें फतेहपुर सीकरी में, कई सारे मुगल इम्पर्स के काफ़ी उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर सीकरी, तो इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो ये भी हमने जाना। अब आगे बढ़ते हैं अगली साइड में। रानी की वाव पाटन जिले में है ये, गुजरात में है, और 100 रुपए के नोट के पीछे भी आपको इसकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी रानी की वाव की। रानी की वाव काफ़ी फेमस गुजरात का टेंपल। इसे यहाँ पर एक बावड़ी है जिसे नलकूप बोलते हैं, जिसे स्टेप वेल जिसे बोलते हैं, तो उसी के लिए फेमस है रानी की वाव। गुजरात में है ये पाटन जिले में, ये भी काफ़ी फेमस साइट है, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो अगला चलते हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टाडकल, पट्टाडकल के मंदिर कर्नाटक में है, और पट्टाडकल में एक मैं बता दूं बहुत फेमस मंदिर है, कई सारे स्मारकों का ये भी समूह है पट्टाडकल। पट्टाडकल का विरूपाक्ष मंदिर भी है इसमें, वो भी काफ़ी फेमस उत्कृष्ट वास्तुकारिता देखने को मिलती है वहाँ पे भी। तो ये कई सारे स्मारकों का समूह है ये भी पट्टाडकल, कर्नाटक में है ये। तो कई सारी यहाँ पर हमें उत्कृष्टता देखने को मिलती है, पट्टाडकल का विरूपाक्ष मंदिर हो गया जैसे, तो ये सब भी हमने जाना, ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है। अगला चलते हैं अगली साइट्स में। एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा केव्स आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा एलिफेंट कैव, एलिफेंट कैव, एलिफेंटा केव्स, ये भी काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है ये वास्तुकला का। इसमें भी कई सारी इमारतें पाई जाती हैं, काफ़ी पुरानी इमारतें, काफ़ी पुरानी चित्रकारिता देखने को मिलती है एलिफेंटा केव्स में, महाराष्ट्र में जो की है। तो अगली साइट्स में चलते हैं। नालंदा, नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार, नालंदा एक जिला भी है बिहार में, और नालंदा आपको पता ही होगा पुराने समय में यहाँ पर लोग पढ़ने भी आते थे, कई सारी एक पुस्तकालय भी था यहाँ पे, तो अब समय के साथ वो भी नष्ट हो गया है नालंदा में। तो ये भी काफ़ी उत्कृष्ट नमूना था, तो ये भी एक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो आगे बढ़ते हैं अगली साइट्स में चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, तो इसे विक्टोरिया टर्मिनस भी बोला जाता था पहले, महाराष्ट्र में है ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST जिसे बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, ये भी काफ़ी फेमस यहाँ पर कला देखने को मिलती है CST में, तो ये भी काफ़ी फेमस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जिसे बोलते हैं अब। तो इस स्टेशन को फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने डिज़ाइन किया था, ये भी मैं आपको बता दूँ।
और विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से पहले ये जाना जाता था, अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी कलाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो चित्रकारी काफ़ी यहाँ पर है, तो इसे भी ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है, तो ये महाराष्ट्र में है। तो अब आगे आगे चलते हैं अगले साइट्स में। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तो ये दार्जिलिंग का क्षेत्र है, माउंटेन रेलवे, तो ये भी काफ़ी उत्कृष्ट तरीके से बनाया गया है, इसलिए यूनेस्को ने देखा इसे, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। पर्वतीय रेलवे जिसे बोलते हैं, कालका से शिमला तक है ये माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो अगली साइट्स में चलते हैं, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एट्स इट्स मॉन्यूमेंट्स, कुतुब मीनार और इसके कई अन्य स्मारक भी हैं अगल बगल, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है, काफ़ी फेमस, आपको पता ही होगा नई दिल्ली में है ये। अगली साइट्स में चलते हैं, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, गुजरात में है ये चंपानेर पावागढ़ का, और ये पुरातात्विक पार्क है, यहाँ पर कई सारी विविधता देखने को मिली जिस कारण यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा इसे भी दिया था। कई सारी उत्कृष्ट नमूना यहाँ पर देखने को मिला चंपानेर पावागढ़ में। तो अगली साइट्स चलते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है, और ये स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो काफ़ी यहाँ पर विविधताएँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं नेशनल पार्क में, इसलिए यूनेस्को के इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो अगली साइट्स में चलते हैं, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये भी एक उत्कृष्ट नमूना है वास्तुकारिता का, राजस्थान में है ये, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो अगले साइट्स में चलते हैं, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो ये कोई एक चर्च नहीं है, ये कई सारे चर्चों का एक समूह है, कई सारी इमारतों का एक समूह है, ये गोवा में है ये चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो अगली साइट्स में चलते हैं, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं आपको पता ही होगा, काफ़ी फेमस हैं ये, मध्य प्रदेश में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। बताया जाता है काफ़ी पुरानी ये गुफाएं हैं, अंदर काफ़ी कलाएं इसमें देखने को मिलती हैं, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर इसे भी दिया गया है। तो अगली साइट्स में चलते हैं, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये एक नेशनल पार्क भी है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी है, ये मनास नेशनल पार्क काफ़ी फेमस ये असम में है। मनास में कई सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं, कई सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, तो यूनेस्को ने इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं, तो ये असम में है। तो अगली साइट्स में चलते हैं, केवलाडियो नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क बोलते हैं इसे, भरतपुर में है ये, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, केवलादेव में आप बताते हैं कि रूस से, साइबेरिया से और चीन से भी पक्षी अच्छी आते हैं काफ़ी सारे, तो यहाँ पर भी कई सारी विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। तो अगली साइट में चलते हैं, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। ये दोनों उत्तराखंड में है, नंदा देवी आपको पता ही होगा काफ़ी फेमस, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, ये भी नेशनल पार्क है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये दोनों है ये, और ये उत्तराखंड में है, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जगह दी गई है। तो अगली साइट्स में चलते हैं, 33 नंबर, वेस्टर्न घाट, पूरा का पूरा पश्चिमी घाट जो है ये क्या कहते हैं, जैव विविधता से पूरा भरा हुआ है, हॉट स्पॉट जिसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। वेस्टर्न घाट में जैसे तमिलनाडु का भी कुछ एरिया आता है, केरल का भी कुछ एरिया आता है, कर्नाटक का भी कुछ एरिया आता है, महाराष्ट्र, गोवा, ये सब का एरिया, काफ़ी सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है, पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट को। तो अगली साइट में चलते हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, काफ़ी आपको पता होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस, ये भी सिक्किम में है, काफ़ी सारी विविधताएँ यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं, तो स्नो लेपर्ड भी यहाँ पाया जाता है, तो स्नो लेपर्ड के लिए काफ़ी फेमस है कंचनजंगा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये यहाँ पर, और सिक्किम में है ये, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। तो ये भी आपसे ऑप्शन बना के पूछ सकता है कि ये इनमें से कौन सी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, क्या या है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, हर नाम आपको पता होना चाहिए,
कि कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, ली कार्बूजियर ने इसे इसकी वास्तुकला की थी, तो इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। तो काफ़ी उत्कृष्ट नमूना है ये भी, कैपिटल कॉम्प्लेक्स कार्बूजियर द्वारा इसे विकसित किया गया था। तो आगे चलते हैं अगली साइट्स में, द हिस्ट्री सिटी ऑफ अहमदाबाद, पूरा का पूरा अहमदाबाद जो शहर है इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। अहमदाबाद जिसे सुल्तान अहमद शाह प्रथम ने बसाया था, और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है, कई सारी इमारतें और वास्तुकला यहाँ पर देखने को मिलती है अहमदाबाद में। तो ये पूरे पूरा पूरा का पूरा सिटी जो है ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो ये भी इम्पोर्टेंट काफ़ी था। अगली साइड में चलते हैं, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, ये भी कई सारी इमारतों का समूह है, कोई एक इमारत नहीं है ये, द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेम्बल ऑफ मुंबई, ये भी कई सारी इमारतों का समूह है जो कि जिसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगली साइड में चलते हैं, द पिंक सिटी, लास्ट है ये 38वीं, यही है द पिंक सिटी जयपुर। जयपुर का पूरा शहर जो है ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो इसे भी पूरे 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 शहर को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट था काफ़ी। तो ये थी हमारी 38 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, तेज सिविल सर्विसेज, जय हिंद जय भारत।